मैसेज पॉक्स डिस्प्ले करके दिखाने वाला हूँ तो आज तक दिखती रहिए हमारी ये वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये मैसेज बॉक्स फॉर्म तो यहाँ डिफरेंट फिल्म मैंने ऐड किया है रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट नेम और डिटेल्स मोबाइल नंबर फर्स्ट सबमिट बटन देख सकते हैं क्लिक किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस अलर्ट मैसेज आ जाता है उसके बाद प्लीज़ एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर फास्ट मतलब इफ इफ इज रजिस्ट्रेशन नंबर देन ये मैसेज बॉक्स प्लीज़ एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर फास्ट क्लिक ओके फिर भी ओके नेक्स्ट गो टू द मैसेज बॉक्स पहले टाइप कर लेते हैं लाइक वन टू तो ये ले, ले लिया कि, कि मैंने कोड में ऐड किया है इफ इज नाल रजिस्ट्रेशन नंबर देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले प्लीज़ एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर गो टू द वी कोड आप देख सकते हैं सिंपल वी कोड है मैसेज डिस्प्ले का ये फास्ट तरीका है ठीक है फास्ट स्टेप फास्ट स्टेप में आपको ये सीखना है डायरेक्ट मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं इफ़ इसल अगर रजिस्ट्रेशन नंबर खाली होगा तो देन ये मैसेज बुक डिस्प्ले हो जाता है उसके बाद अगर आप कोड दे देंगे मी डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट सेट प्रकाश तो ये रिपीट ये टेक्स्ट बॉक्स में पॉइंटर आ जाता है फिर से ट्राई कर लेते हैं सबमिट बटन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर तो देख सकते हैं ये पॉइंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में प्लेस हो जाता है तो इस मी डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट सेट फोकस अगर आप कोई भी फिल्म में ये पॉइंटर लाना है तो इस तरह से सेट फोकस कोर्ट यूज करना है नेक्स्ट सही मैसेज को कैसे सेंस कर सकते हैं जो आप अपने से अलर्ट मैसेज अगर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करना है सिंपल है प्लीज़ एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको ये फिर भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट कोमा उसके बाद अंडर डबल कलेशन में अलर्ट मैसेज जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं ठीक है क्लिक एट न्यू फिर से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने वाला हूँ यहाँ पर क्लिक सबमिट तो ये देख सकते हैं अलर्ट मैसेज आ गया है मैसेज टाइप किया है लास्ट में अंडर डबल कलेशन उसके बाद मैं अगर यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड टाइप करता हूँ सही पासवर्ड टाइप किया सबमिट नेक्स्ट रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया है क्लिक सबमिट बटन थ्री तो देख सकते हैं ये अलर्ट मैसेज रजिस्ट्रेशन आया है और, और ये क्रिटिकल मैसेज यू टाइप रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है तो इस तरह से ये क्रिटिकल मैसेज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग फिबियो कोड सिंपल कोड है गो टू द कोर्ट तो ये देख सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन नंबर फेलू वन टू थ्री होगा देन सही मैसेज यू हैव सक्सेसफुल एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट अगर सही नहीं होगा यू आर टाइपिंग रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर फी बी क्रिटिकल उसके बाद एलर्ट मैसेज मैंने अलर्ट टाइप किया है ठीक है देख सकते हैं ये फी बी क्रिटिकल है जस्ट ये चेंजेस करना है इन्फॉर्मेशन की जगह आपको भी, भी क्रिटिकल ऐड करना है फिर से ट्राई और टेस्ट करते हैं टाइप रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग टाइप किया है क्लिक सबमिट थ्री बटन तो ये देख सकते हैं अलर्ट मैसेज सेम यू आर टाइपिंग रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर फिर भी, भी ओके क्लिक ओके अगर सही पासवर्ड टाइप करेंगे तो ये अलर्ट मैसेज नहीं आएगा जो मैसेज टाइप किया है यू हैव सक्सेसफुली एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि ये सही स्टेशन नंबर है तो इसलिए ये यू हैव सक्सेसफुली एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैसेज आ गया ठीक है तो इस तरह से आप ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मैसेज और क्रिटिकल मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं ये सिंपल दो मैसेज आप लोग को सिखाया नेक्स्ट को तो सीखने वाला हूँ पहले इसको चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट क्लिक एट बटन टाइप रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक सबमिट थ्री यू हैव सक्सेसफुली एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है अभी सबमिट बटन फोर में क्लिक किया है यू मस्ट एंटर स्टूडेंट नंबर क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी टाइप किया है तो अभी स्टूडेंट नेम टाइप करने के लिए बोल रहा है ठीक है अगर मैं टाइप किया है तो नेक्स्ट फिर से आपको यू मस्ट एंटर प्रीवियस क्लास नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स तो ये टेक्सट बॉक्स भी खाली नहीं रखना है इसलिए इसको भी फिलअप करने के लिए बोल रहा है प्रीवियस क्लास परसेंटेज तो मैंने टाइप कर लिया है लाइक थर्टी टू नेक्स्ट यू मस्ट एंटर मोबाइल नंबर अभी मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए बोल रहा है तो मैंने सभी टेक्स्ट बॉक्स में ये मैसेज अलर्ट ऐड किया है नेक्स्ट फाइनल सबमिशन प्लीज एंटर प्लीज प्रेस फाइनल सबमिट बटन फाइव अगर आप ये पूरा टेक्स्ट बुक्स को फिलअप कर लेते हैं नेक्स्ट आपको बोल रहा है सबमिट फाइनल सबमिट फाइव बटन क्लिक ठीक है नेक्स्ट कोड टू तो द तो कोड सबमिट फोर कोड क्लिक इवेंट नेक्स्ट क्लिक ऑन क्लिक इवेंट प्रोसीड तो टू कोड देख सकते हैं सिंपल सा कोड है इफ़ इस नाल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नाल होगा देन मैसेज बॉक्स यू मस्ट एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर वी ओके ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड ठीक है तो ये पॉइंटर आपस लाने के लिए मी डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट सेट पोकस दिया है सेम वे अभी नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स और नेक्स्ट फील्ड नेम एल्स ईफ इस नाल स्टूडेंट नेम तो इस तरह से जितना आपका फील होगा सारे में ये इफ़ एल्स इफ ऐड करके ये सारे में सेम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं सम टेक्स्ट एडिट किया है रजिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन मार्क दिया है नेक्स्ट अलर्ट मैसेज रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड फी वी ओके ओनली सेम उसी तरह से ये सेम कोड को कॉपी करके सारे में ये ऐड करना है जस्ट आपको फिल नेम सेट पोखा चेंज करना है ठीक है नेक्स्ट टेस्ट द मैसेज बॉक्स फॉर्म क्लिक सबमिट फॉर प्लीज प्रेस फाइनल सबमिट फाइव तो ये पी पी और मोबाइल नंबर को मैंने डिलीट किया फिर से क्लिक किया है तो बोला है प्लीज एंटर पी क्लास परसेंटेज क्लिक परसेंटेज और देन क्लिक द कमेंट बटन ठीक है तो इस तरह से आपको ये सिंपल कोड यूज़ करना है नेक्स्ट कोड सबमिट फॉर तो ये फी ओके ओनली के लिए फी ओके ओनली टेक्स्ट बॉक्स बटन डिस्प्ले करने के लिए ये कोड यूज़ करना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अभी फिर से टाइप करेंगे और पेश करेंगे सबमिट फोर यू मस्ट क्लास परसेंटेज प्रीवियस क्लास परसेंटेज टाइप करना है लाइक like मैंने टाइप किया है तो देख सकते हैं ये कोड नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद स्टूडेंट्स नेम फी बी ओके ओनली नेम रिक्वायर्ड तो यहाँ सेम नेम फील्ड नेम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड ठीक है ई इज एस नाल मी डॉट स्टूडेंट नेम देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले यू मस्ट एंटर स्टूडेंट नेम फी बी ओके ओनली स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड नेक्स्ट फील्ड एल सीफ अगर प्रीवियस क्लास परसेंटेज खाली होगा तो ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा फिर भी ओके ओनली पी पी नेम रिक्वायर्ड तो देख सकते हैं सारे फील्ड में ये अलग अलग से आ, मैंने अलर्ट मैसेज टाइप किया है इच फील्ड वाइज मैंने नेम ऐड कर लिया है आ, लास्ट ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर इप एस नाल मोबाइल नंबर देन मैसेज बॉक्स यू मस्ट एंटर मोबाइल नंबर फीवी ओके ओनली और ये अलर्ट मैसेज मैंने एडिट किया है मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड ठीक है तो ये बहुत ही सिंपल कोड है ये सारे डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आप एल्स मैसेज डिस्प्ले देख सकते हैं प्लीज़ प्रेस फाइनल फाइव बटन फिर भी एक्सक्लेमेशन फाइनल देना है ठीक है तो नेक्स्ट सेव uh, करके फॉर्म में चलते हैं उसके बाद एंड इफ क्लोज करना है कितना इफ वन टू थ्री फोर फोर इफ कंडीशन मैंने ऐड किया है तो इसलिए आपको लास्ट में फोर टाइप्स इफ क्लोज करना है फोर टाइप ठीक है उसके बाद गो टू द फॉर्म न्यू फॉर्म मास्ट एंटर स्टेशन नंबर टाइप किया है स्टेशन नंबर सही हुआ है यू मस्ट एंटर स्टूडेंट नम नेम स्टूडेंट में नेम टाइप कर लिया है नेक्स्ट सबमिट बटन नेक्स्ट यू मस्ट एंटर पीपीएस क्लास परसेंटेज लाइक सेवेंटी परसेंट नेक्स्ट मांग रहा है मोबाइल नंबर तो अभी मोबाइल नंबर को भी मैंने टाइप कर लिया है तो फाइनली प्लीज़ प्रेस फाइनल सबमिट बटन फाइव यानी कि ये या जितना फील्ड है सारे फील्ड को मैंने भर लिया है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है फाइनल सबमिट फाइव बटन में क्लिक करने के लिए बोला है यानी कि ये फाइनल स्टेप्स है तो इसलिए आपको एल्स कंडीशन में देना है प्लीज़ प्रेस फाइनल सबमिट बटन फिर भी, भी एक्सक्लेमेशन फाइनल सबमिशन अलर्ट मैसेज को टाइप करना है उसके बाद एंड एफ को क्लोज करना है ठीक है बहुत ही सिंपल कोड है जो आप ट्राई कर सकते हैं ये कोड यूज़ करके ठीक कर है ओके ऑल राइट नेक्स्ट सेव करके रन कर लेते हैं और चेक करेंगे ठीक है तो मैंने टाइप कर लिया है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू यू विश टू कंटिन्यू अगर येस yes करेंगे तो ये यू आर एलिजिबल फॉर एडमिटेड टू ग्रुप ए वन के लिए मैंने ये दूसरा ग्रुप वन के लिए मैंने रखा है सेवेंटी परसेंट और ग्रुप बी के लिए रखा है सिक्सटी परसेंट फॉर्म तो उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर एडमिटेड टू ग्रुप बी अगर नो no करेंगे तो ग्रुप बी में एडमिशन हो जाएगा और ये रजिस्टर्ड हो जाएगा दैन ग्रुप बी फॉर्म ओपन हो जाएगा तो पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं देन आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाने वाला हूँ तो टाइप कर लिया है स्टूडेंट नेम सपोज रबिन प्रीवियस क्लास परसेंटेज मैंने टाइप 70। आ, सामिट, सामिट किया 70 सेवेंटी क्लिक सबमिट सबमिट हो गया प्लीज़ प्रेस फाइनल बटन फाइनल सबमिट बटन में क्लिक किया है उसके बाद यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डू यू वांट टू कंटिन्यू यस अगर यस करेंगे तो डायरेक्ट वन नंबर पेज आ जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट गो टू तो द कोर्ट अभी आ, जस्ट आ, सेटिंग चेंज करेंगे तो पहले आपको क्या करना है डीम फेरेबल डिक्लेशन करना है आंसर यस एस स्ट्रिंग आंसर यस में ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना है मैसेज बॉक्स यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड तो अभी मैं यहाँ पे साम चेंजेस करने वाला हूँ येस फॉर सेवेंटी परसेंट और नो फॉर परसेंट मतलब अगर सेवेंटी परसेंट पी क्लास में होगा तो ये डायरेक्ट ग्रुप ए फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके बाद ग्रुप ए फॉर्म में एंटर कर सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स अगर आप सिक्सटी परसेंट एंटर करते हैं और स्टूडेंट का मार्क्स सिक्सटी परसेंट है तो देन आपको नो में क्लिक करना है नो में क्लिक करने के बाद नो आंसर में आपको ओपन करना होगा ग्रुप बी फॉर्म ठीक है तो पहले इसको टाइप कर लेते हैं रजिस्टर्ड यस फॉर सेवेंटी परसेंट नो फॉर सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन मार्क उसके बाद फिर भी येस नो नेक्स्ट फिर भी क्वेश्चन करेगा येस नो अगर येस करेंगे सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट होगा तो ग्रुप ए फॉर्म ओपन करना है अगर सिक्सटी परसेंट होगा तो ग्रुप बी फॉर्म ओपन करना है तो कैसे करना है फॉलो दिस कोड ठीक है Uh, स नो करना है उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क फी बी क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट अलर्ट मैसेज यूज रेस्पॉन्स यूज आर रेस्पॉन्स उसके बाद इफ यस इक्वल टू फी बी एस आंसर यस होगा देन भी एस देन मैसेज बॉक्स यू आर इलिजिबल फॉर एडमिटेड टू ग्रुप ए फी वी इन्फॉर्मेशन मैसेज अलर्ट एडमिशन देन ओपनिंग फॉर्म डॉग एम डी कोड यूज़ करना है ओपन फॉर्म मैंने ग्रुप ए फॉर्म ऐड कर लिया है अदरवाइज अगर आंसर यस नहीं होगा पी यस नो होगा देन एल्स मैसेज बॉक्स यू आर एलिजिबल फॉर एडमिटेड टू ग्रुप बी पी पी इन्फॉर्मेशन मैसेज सेलट फाइनल सबमिशन और फॉर्म ओपन होगा डॉग एम डी ओपन फॉर्म ग्रुप बी ठीक है ये देख सकते हैं ग्रुप ए फॉर्म है और ये ग्रुप बी फॉर्म दोनों के लिए मैं ये दो कंडीशन लगाया ग्रुप ए फॉर सेवेंटी परसेंट ग्रुप बी फॉर सिक्सटी परसेंट ठीक है नेक्स्ट टेस्ट करेंगे गुड द फॉर्म फाइनल सबमिट फॉर्म ये सिक्सटी परसेंट है तो आपको प्रेस करना है क्योंकि यहाँ पे मैसेज अलर्ट दिया है सेवेंटी होने से येस और सिक्सटी होने से नो क्योंकि ये सिक्सटी परसेंट है तो देन आपको नो में प्रेस करना है यू आर एलिजिबल टू एडमिटेड टू ग्रुप बी दैन ये ग्रुप बी फॉर्म ओपन हो जाएगा ग्रुप बी फॉर्म ओपन हो गया उसके बाद ग्रुप बी फॉर्म में आप अपना स्टूडेंट्स डिटेल्स भर सकते हैं ठीक है डेट पर्थ लाइक नेम टाइप किया है परमोटेड टू क्लास नेक्स्ट क्लास लाइक फाइव सिक्स सेवन कोई भी क्लास हो सकते हैं जैसे एकदम उसके बाद मैंने फोटो ऐड कर लिया ओके टू ऐड द स्टूडेंट डिटेल्स ग्रुप बी एलिजिबल फॉर सिक्सटी परसेंट के लिए ठीक है इस तरह से ये मैसेज अलर्ट दे सकते हैं अगर फिर से क्लिक करेंगे फाइनल नो no, तो ये ग्रुप बी ओपन हो जाएगा उसके बाद ग्रुप बी डिटेल्स भर सकते हैं अभी मैं पी पी क्लासेस परसेंटेज सेवेंटी रखा है कि ये परसेंटेज सेवेंटी मिला है देन आपको प्रेस करना है क्लिक यस yes, तो यू आर एलिजिबल फॉर एडमिटेड टू ग्रुप ए फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके बाद ग्रुप ए फॉर्म में स्टूडेंट डिटेल्स भर सकते हैं फॉर एलिजिबल सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स का ये ग्रुप ए फॉर्म और ग्रुप ए क्लास डिटेल्स एंट्री उसके बाद स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट फोटो इमेज वगैरह ऐड करके ग्रुप ए में डिटेल्स भर सकते हैं तो ये था कंडीशंस मैसेज अलर्ट फॉर सेवेंटी फिर भी येस नो और फिर भी क्वेश्चन मार्क का ये मैसेज बॉक्स अलर्ट मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करने का तरीका ठीक है अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर फिर डाटा टाइप्स में टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिस्टम मैसेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आ जाता है अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के जगह में मैं अपना डाटा बेस और कोई भी नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ देन आपको ऑफिस बटन में जाना है उसके बाद ऑप्शन में जाना है नेक्स्ट एक्सेस ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये कारेंट डाटाबेस में क्लिक करना है उसके बाद एप्लीकेशन टाइटल में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं लाइक like में डाटाबेस नेम और ये क्लास का नेम मैंने टाइप किया है मैसेज बॉक्स फी बी दिखने के बाद आपको क्या करना है एप्लीकेशन को क्लोज करना है और फिर से एप्लीकेशन को रीओपन करना है उसके बाद आपको दिखने को मिलेगा टाइटल में जो मैं अभी अभी टाइप किया है मैसेज फॉर एक्सेस फी बी देख सकते हैं ये मैसेज फॉर एक्सेस वी वी ए सस्टम अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो इस तरह से आप सिस्टम अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है ये था एम एस एक्सेस में मैसेज बॉक्स क्रिएशन करने का तरीका यूजिंग फीवीए कोड और भी बहुत मैसेज बॉक्स क्रिएशन कर सकते हैं अपने डाटा बेस में यूजिंग फीवीए कोड जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाने की कोशिश करूँगा तो फ्रेंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब में थैंक यू फॉर वॉचिंग